शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है और बजाने से क्या हुआ है और क्या होता है? शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है कि पहली ताली है शिव को अपनी उपस्थिति बताने के लिए ताली बजाई जाती है। दूसरी ताली हम अगर शंकर से कुछ न मांगे तो भी शिव हमारे घर में भंडार भरे। तीसरी ताली शिव की शरणागति प्राप्त करने के लिए बजाई जाती है। लंकापति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसे लंका का राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियाँ थी, संतान नहीं थी। तब एक एक रानी के साथ बैठकर शिवलिंग पर अभिषेक किया और 3 बार ताली बजाई, तब 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव की कृपा से। श्री राम भगवान जब सेतु बांधने के लिए कार्य कर रहे थे और सेतु बन नहीं रहा था, तब भगवान श्री राम ने भी शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाकर भगवान शंकर को रिझाया था और कहा कि पत्थर पर राम नाम लिखे पत्थर पानी में तरेगा और राह मिलनी चालू हो गई। भगवान शंकर अमरनाथ गुफा में बैठकर पार्वती जी को जब अमर कथा सुना रहे थे, तब वहाँ भी भगवान शंकर ने 3 बार ताली बजाई तो पक्षी उड़ गए, पर एक तोते का अंडा नीचे गिर गया था। उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल आया था। उस तोते ने अमर कथा सुन ली थी। तोते के बच्चे का नाम ही सुखदेव हुआ था। भक्तों, शिव को चढ़ाने के लिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं हो, आपके पास जल नहीं हो, आपके पास फूल नहीं है, आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मन से, प्रेम से, भाव से नम्र होकर 3 बार ताली का नाद तो कीजिए। शिव भगवान प्रसन्न होकर भंडारा भर भर कर भेजेंगे। भगवान शिव पर विश्वास रखिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।